फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल मंदिर दिखा रही हूँ जो कि साउथ का है। बहुत मानता है, साउथ के लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और ये प्रयागराज में नेहरू पार्क के पास स्थित है। यहाँ का प्रांगण काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शनि जी का मंदिर है और ये अयप्पा मंदिर के नाम से फेमस है। काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे और खुला खुला सा, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे पूरा शिव जी का परिवार है और नाग देवता हैं, नवग्रह देवता भी हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन दर्शन आसानी से करें, क्योंकि यहाँ पे इस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और हमारे शनि दोष मिट जाते हैं। नवग्रह जो हमारे होते हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये मंदिर। तो आप अपने इन दोषों को इस मंदिर में आकर के मिटा सकते हैं। आज यहाँ पे रुद्राभिषेक हुआ था क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग रखे हैं, यहीं पे वट वृक्ष है। तो मंदिर के प्रांगण में पूजा पाठ करवाने से बहुत ही उसकी महत्व बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी सहेलियाँ हैं, इन्होंने आज रुद्राभिषेक कराया था, तो हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस मंदिर के दर्शन कराए जाएँ, तो आज मैंने इसका वीडियो बना लिया। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। शाम के वक्त यहाँ पे डेली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग शनिवार के दिन यहाँ पर दिया जलाने आते हैं, जो आप अभी देख रहे थे यहाँ पे शिव जी की पूजा हुई है। उसी पेड़ के नीचे हम लोग वट वृक्ष के नीचे आते हैं और दिया जला करके जाते हैं। और ये बाहर का हिस्सा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर के बाहर काफ़ी सारे झूले एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए लगे हैं। तो लोग यहाँ पे खुले खुले एरिया में टहलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का ये एरिया है। पहले यहाँ पे सामने नेहरू पार्क था, अभी जर्जर हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम लोग आज दर्शन करने आए थे तो हमने आपके लिए वीडियो तैयार किया फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आरती भी काफ़ी अच्छी हुई थी और सावन का समय चल रहा है, तो रुद्राभिषेक कराना बहुत ही अच्छा माना गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक के बाद आरती हो रही थी तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और लास्ट तक काफ़ी सारा वीडियो बना डाला, जो कि आपने अभी देखा। तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ फ्रेंड्स।